दिल्ली से एक और बेहतरीन बस जर्नी। आई एम सौरभ राजपूत, रियल एडवेंचर। गुड मॉर्निंग, और इस गुड मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है पिंक सिटी जयपुर से। तो बात करें आज के सफर की, तो आज का सफर हमारा रहने वाला है द पिंक सिटी, कैपिटल ऑफ राजस्थान, जयपुर टू न्यू दिल्ली। हम आज ट्रेवल कर रहे हैं भाई गोल्ड लाइन सुपर डीलक्स वॉल्वो V8R। सफर है करीबन 260 किलोमीटर। तो बोर्डिंग पॉइंट था हमारा सिंधी कैंप, बट मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ नारायण सर्कल से। एक्चुअली क्या है कि सिंधी कैंप में जब मैं पहुँचा ना, तो 10:20 हो चुके थे और बस थी हमारी 10:25 में, तो ज़्यादा टाइम हमें नहीं मिला। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि बस है 10:55 की, जब मैंने निकल के चेक करा तो बस थी 10:25 की और 10:20 ऑलरेडी हो गए थे। तो मैंने कहा फटाफट से पहले बस में चढ़ते हैं, वीडियो वगैरह बाद में बनाएंगे। बात करें जर्नी टाइम की, तो 10:55 पे नारायण सर्कल से चल रही है और 10:25 पे चली थी सिंधी कैंप से, और दिल्ली पहुंचा देगी हमें 4 बजे। बात करें बस के किराए की, तो बस का किराया हमें पड़ा है 475 रुपये विद टैक्स। रेड बस, पेटीएम, यात्रा, सभी लीडिंग प्लेटफॉर्म पे बस की टिकट अवेलेबल है, तो वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हो, नहीं तो आप सिंधी कैंप पे इनका ऑफिस है, वहाँ से भी टिकट बुक करवा सकते हो। तो अभी नारायण सर्कल खड़ा हूँ, पैसेंजर वगैरह का बस यहाँ वेट कर रही है। अगर बोर्डिंग पॉइंट की बात करें, तो बोर्डिंग पॉइंट रहता है जैसे सिंधी कैंप जिससे हमने बोर्ड करा था, उसके अलावा नारायण सर्कल, ट्रांसपोर्ट नगर, बस स्टॉप, कूकस, नीम्स यूनिवर्सिटी, MIT यूनिवर्सिटी, तो ये सारे रहते हैं बोर्डिंग पॉइंट। तो अभी सेकंड बोर्डिंग पॉइंट पे पैसेंजर वगैरह यहाँ से बोर्ड करेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे। जो मंदिर देख रहे हो, ये संकट मोचन हनुमान टेम्पल है, और इसी के पीछे मौजूद है जयपुर की फेमस लेक मानसागर लेक। आपको बता दूं कि मानसागर लेक वही लेक है जिसके बीच में जयपुर का फेमस जल महल मौजूद है। बात करें बस के रूट की, तो बस का रूट रहने वाला है जयपुर, कूकस, मनोहरपुरा, शाहपुर, कोटपुतली, बहरोड, भीमराणा, बावल, मानेसर, गुड़गांव, दिल्ली, और दिल्ली में इनका जो टॉपिंग पॉइंट रहता है वो रहता है धौला कुआं।
और अभी हम रुके हैं अपने पांचवे बोर्डिंग पॉइंट निम्स यूनिवर्सिटी के कैंपस के गेट पे। इससे पहले ट्रांसपोर्ट खंडगर और फोकस के बोर्डिंग पॉइंट पे पैसेंजर बोर्ड वगैरह हुए थे। अभी बस रुकी है ऑन रोड एमरजेंसी के लिए। एक शख्स को बहुत एमरजेंसी टॉयलेट के लिए जाना था तो उनके लिए बस रोकी गई है। और ये सामने जो आप शख्स देख रहे हो ये हमारे बस के स्टाफ मेंबर है जो बंदरों को केला खिला रहे हैं। एक्चुअली बंदरों को उन्होंने देखा और साथ में एक केले वाला केले बेच रहा था, उन्होंने बंदरों को केले खिलाना स्टार्ट कर दिया। अच्छी बात है। हाँ, बट बंदरों को उन जगह खाने के लिए बिल्कुल भी मत दे जहाँ पे यूजुअली लोग पैदल वगैरह घूमते हैं। तो ऐसी जगह पे आपने होर्डिंग भी लगी हुई देखी होंगी कि बंदरों को खाने पीने का सामान ना दे, क्योंकि जहाँ पे लोग पैदल घूम रहे हैं अगर वहीं पे आप खाना वाना उनको देना स्टार्ट कर दोगे तो वो फिर छीना झपटी वाले काम भी शुरू कर देते हैं।
क्रॉस कर रहा है कोटपुतली, और आपको बता दूं वैसे कोटपुतली भी जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आता है और यहाँ से थोड़ी दूर जाके मैक्सिमम 10 से 12 मिनट का रास्ता और होगा, जयपुर डिस्ट्रिक्ट ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एंटर कर जाएंगे अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आगे बढ़ेंगे बहरोड की तरफ। वैसे आपकी नॉलेज के लिए बता दूं राजस्थान में टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट हैं। टाइम हो रहा है 1:21 और बस ने फाइनली स्टॉपेज ले लिया है लंच के लिए। जगह का नाम है केशमाना, कोटपुतली से थोड़ा आगे आ गए हैं और रेस्टोरेंट का नाम है होटल आमबाग प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। तो ये ऐसा कुछ रेस्टोरेंट है इधर। तो बस यहाँ करीबन आधे घंटे के लिए रुकी है, तो अंदर चलते हैं और अंदर चल के पहले कुछ खाते हैं। तो सुबह जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ खाया नहीं था, तो अभी बस रुकी, तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं। और जब भी सफ़र करता हूँ ना, तो आप लोग हमेशा बोलते हो कि भाई ढाबा दिखाओ, रेस्टोरेंट दिखाओ, वहाँ का मेन्यू वगैरह दिखाओ, खाना दिखाओ। तो देखो ये है ऐसा कुछ मेन्यू, काफ़ी सारे आइटम अवेलेबल हैं यार वैसे तो। तो रोटी सब्जी वगैरह खाने का तो मेरा मन कर नहीं रहा था पता नहीं क्यों, तो मैंने चाउमीन वगैरह लगवा लिया। तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, पहले बस से उतरते हैं और वॉशरूम वगैरह जाते हैं, फिर खाना खाने आते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं पहले उतरता हूँ और सीधा होटल में जाके अंदर पहले ऑर्डर दे देता हूँ, फिर बाहर आता हूँ व्लॉग बनाता हूँ ताकि जल्दी से खाना मिल जाए। क्योंकि ऐसा है ना कि व्लॉग बनाऊँगा, फ्रेश होने जाऊँगा, इतने में अंदर हो जाएगी भीड़ और फिर तो अपना नंबर आ गया भगवान की दुआ से। तो पहले क्या करता हूँ, पहले उतरता हूँ, सबसे पहले देता हूँ खाने का ऑर्डर, फिर आके बाहर व्लॉग बनाता हूँ, इतने में खाना तैयार हो जाता है, जो भी खाने का ऑर्डर देता हूँ और फिर अंदर जाके खा लेता हूँ। तो चाउमीन खाली है, पेट भर गया है, हालांकि चाउमीन थोड़ी सी लिटिल बिट कॉस्टली है 140 रुपीस, लेकिन कोई बात नहीं, पेट भर गया, चाउमीन खाने का मन था चाइनीज़ खाने का, तो अभी खा लिए। आगे बढ़ रहे हैं बावल की तरफ।
पर्ची चेक कर पर्ची पकड़ देते तो रूम नंबर लेके पैसा पकड़ा कर ले करवाया अरविंद पर्ची पकड़ा देता अरविंद पर्ची गिन के नुकसान होती है 100 हजार फिर देखते यार रूम को नहीं कटे ले अरे इतना मन हो प्रॉब्लम होगी टाइम हो रहा है 4:28 और हम पहुंच गए हैं धौला कुआं। बात करें बस के दिल्ली पहुंचने की टाइमिंग की तो वो थी 4 बजे और हम पहुंचे हैं 4:28 पे, तो करीबन आधा घंटा लेट हो गए हैं क्योंकि जाम वगैरह जैसा आपको पता है कि दिल्ली गुड़गांव में यार बहुत ज़्यादा रहता है, तो उसी वजह से थोड़ा लेट हो गए हैं। बाकी जर्नी बहुत बढ़िया थी, सफ़र बहुत अच्छा था, वॉल्वो बहुत आरामदायक थी, अंदर से काफ़ी अच्छी खासी मेंटेन करी हुई थी गोल्ड सुपर डीलक्स ने। तो अगर आप में से कोई जयपुर से दिल्ली आ रहा है और शाम के 4-5 बजे के आसपास दिल्ली आपको पहुंचना है तो ये वाली बस आपके लिए बेस्ट है। और बात करें किराए की तो किराया भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 450 रुपये। और वहीं बात करें RSRTC की वॉल्वो की तो उसमें किराया अराउंड 850-900 के करीब रहता है। तो टाइमिंग के हिसाब से भी और किराए के हिसाब से भी दोनों के हिसाब से बस है बढ़िया। तो इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और पता ही खाली हाथ नहीं जाना होता। अगर जयपुर से दिल्ली तक का ये बस का सफर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना होता है। चलिए जी, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।